हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरे प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी में। और आ गए मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 9 बजे से। तो सबसे पहले दिखा देते हैं आपको आज का मौसम। तो आजकल के मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसी टाइम धूप हो रही और उसी टाइम ठंडा हो रहा। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है आज। आज मैंने सुबह ही दिन के खाने की व्यवस्था कर ली है। और ये है जो फूलगोभी होती है उसके पत्ते, तो आज मैं इनकी काफली बना रही हूँ और काफ़ी अच्छी काफली बनती है इनकी। एक बार खा के ज़रूर देखना। तो ये घर से आ रखे थे, मम्मी ने दिए थे, तो एकदम ताज़े ताज़े हैं। तो मैंने सोचा आज इसकी काफली बना लेती हूँ। और ये मैंने रख दिया यहाँ पर पकाने के लिए। दिन के टाइम पर काफ़ी भागा भागी हो जाती है और खाना बनाने का टाइम भी नहीं लगता है, इसलिए मैंने सोचा आज सुबह ही खाना बना लेती हूँ। और अभी सारा काम निपट गया घर का, तो अभी लग जाते हैं अपने सिलाई के काम पे, क्योंकि अभी मुझे 2-3 दिन में काफ़ी सारे कपड़े सिलने हैं। ये भी रखे हैं और ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे सिलने हैं। अभी 2-3 दिन बाद जाएंगे हम गाँव, उससे पहले मुझे ये निपटाना है। तो आज का जो मैं इस साड़ी पर काम, तो इसको बना रही हूँ मैं आज बेल्ट वाली साड़ी। तो दोस्तों, आज बना रही हूँ मैं इस वाली साड़ी को। तो ये वाली साड़ी बन रही है बेल्ट वाली साड़ी। तो इसमें मैंने इतना काम तो कर दिया है, अभी इसमें प्लेट बन गई है, लेकिन अभी मैंने इसमें बेल्ट नहीं लगाई है। तो अभी यहाँ से इसमें बेल्ट लगेगी और हुक लगेंगे बेल्ट में, ताकि ये एकदम से पहनने के लिए हो जाए। और ये वाली साड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं बाद में पहनने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनको साड़ी पहनना नहीं आता है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। एक बार साड़ी तैयार करवा दो, उसके बाद 2 सेकंड में साड़ी पहन सकते हैं। तो अभी तक मैंने खुद की तो ऐसी साड़ी बनाई नहीं है, औरों की तो बना ली कई साड़ी। और इस साड़ी में आज ही जाना है, इसलिए इसको फटाफट से बनाती हूँ। तो 2-3 दिन तो काफ़ी काम होने वाला है मेरे पास, क्योंकि हमने अभी 3-4 दिन बाद जाना है गाँव, और ये अचानक का प्रोग्राम बना, हमारा पहले से कुछ था नहीं, लेकिन कुछ ज़रूरी वो है तो जाना पड़ेगा गाँव। तो उससे पहले इतने सारे ये कपड़े रखे हैं, ये वाले सिलने हैं और कुछ ये भी हैं, तो सारे कपड़े शादी के हैं, तो पहले निपटाना पड़ेगा इनको। और जब कभी कहीं जाओ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर शादी का काम है तो पूरा करके देना पड़ता है, इसलिए दिन रात ये करना पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या करना है, गांव में जाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अभी जल्दी जल्दी सुबह से लग जाऊंगी, और रात को आजकल 12-1 बज रहे हैं ऐसे ही काम करने में। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये एक ये ले लिया है, बुकरम पेस्टिंग वाला, ये चिपकाने वाला, और ये एक टुकड़ा ये इलास्टिक का ले लिया है। ये है 6 इंच का और ये कपड़ा है, तो इसको 2 टुकड़े में कर देंगे। प्रेस मैंने गर्म करने के लिए लगा रखी है, तो इसको मैं इस पर चिपका दूंगी। इस साइड से पूरा साइड रखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला इलास्टिक। ये हो गया हमारा इलास्टिक, सॉरी बेल्ट का ये चिपका दिया मैंने। और अभी इन दोनों को पहले यहाँ से बीच से ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे इसको। अभी मैंने ये दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है, ये बीच में जितना भी खाली दिख रहा है ये वाली जगह,
तो इसके हम ये वाले इलास्टिक लगा देंगे, तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये बन गई हमारी साड़ी, और इसमें मैंने यहाँ पीछे की साइड भी पे ये लगा लिए हैं, तो इसको नाप के मैंने इसके साथ और इसको लगा लिया है, पूरा तैयार हो गया ये। और इसमें पीछे से ये रबड़ हो गई, जिससे अगर ये थोड़ा अगर कहीं कोई मोटा हो गया इंसान तो उसको दिक्कत नहीं होगी, खींच जाएगा कितनी हो सकती है, मतलब ये लगा लो कि जिस नाप की ये साड़ी है उसमें से जो 3-4 इंच थोड़ा मोटे भी होंगे उन पे भी ये साड़ी आ जाएगी, और ये कुछ इस टाइप की लग रही है। तो इसमें हो गए हमारा काम और ये हो गई तैयार, तो इसको रख देते हैं हम साइड में। अगर ये आपको ये वाली साड़ी और अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। तो इस टाइप की साड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, कहीं अगर जल्दी जल्दी में जाना हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, और जिसको बिल्कुल भी साड़ी पहनना नहीं आता उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलो इसको रख देते हैं साइड में और करते हैं फिर दूसरा काम। तो अभी मैंने काफ़ी कटिंग करके रखी है, उसमें से सिल देती हूँ, पहले निकालती हूँ और अभी मैं सिल दूँ ये वाला कुर्ता। साथ में खाने पीने की व्यवस्था भी रखी हुई है, ये वाले चने काफ़ी अच्छे होते हैं, ये हींग वाले चने हैं। तो एक अंकल जाते हैं यहाँ बेचने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह, तो उनसे लेती हूँ ये, तो ये टाइम काटने के लिए हो जाता है और भूख भी नहीं लगती, टाइम भी कट जाता है। तो दोस्तों अभी हो गए टाइम 12:30 और अभी मैंने ये सिल दिया है, और इसके बच्चे हैं अभी बाजू चढ़ाने के लिए, तो अभी पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद अभी बच्चों को लेने जाना है, और मौसम आज का भी खराब हो रहा है, मौसम मतलब हर एक मिनट बाद मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ का कोई पता ही नहीं चल रहा। तो अभी मैंने काफली के लिए उबाल के रखा हुआ है, तो इसको पीसती हूँ और पहले ये बना के लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ बच्चों को लेने। तो दोस्तों ये मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया है, बारिश आ गई थी और अभी देखो कैसे हो गया, देखते हैं, पता नहीं चल रहा है, छाता वगैरह लेके जाएंगे, अभी ऐसे चलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद। बना रही है।
को देख के बनाया, थोड़ा सा अलग है पर लेकिन यही है। और एक ये बनाया इसमें हाथी, कहाँ गए वो हाथी। कटिंग तो मैंने कर ली है और इसकी कटिंग करती हूँ मैं, दिखाते हैं आपको ये और कैसा लगा आपको जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। कल दूसरा बनाएंगे ना, कट गया हमारा हाथी और ये।